अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज का मौजू बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि कई खबरों का तबसरा करते हुए कैसे भाजपा आरएसएस अपना दोगला किरदार उजागर करती है, इसे समझने की जरूरत है। नफरती एजेंडा एक तरफ चलते हुए एक तरफ मुसलमानों को निशाना बनाने का काम करती है, वही दूसरी तरफ चीन को लेकर इसका क्या चरित्र, इसका किरदार, इसकी हकीकत क्या है, इसे भी समझने की बहुत ही जरूरत है। खैर, इन तमाम मामलों पर बारहा चर्चा होती रहती है, लेकिन आखिर में धर्म का कार्ड खेलकर फिर आवाम को बेवकूफ बनाया जाता है, और यह हुनर संगियों ने बखूबी हासिल भी किया। आज कुछ खबरों पर तबसरा करने से पहले गुलबर्गा की बात करते हैं, जहां गुलबर्गा रेलवे स्टेशन को महज हरा रंग लगाने से हिंदुत्व तंजीमों को मिर्ची लग गई, और फिर एहतजाज किया गया, एहतजाजी जुलूस निकाले गए, नारेबाजी की गई, आखिरकार रेलवे मोहकमा को इस रंग को मिटाना पड़ा। आज एक ही दिन में क्या क्या काम हिंदुत्व तंजीम अंजाम दे रही है, इस पर भी थोड़ा तबसरा जरूरी है। शाहरुख खान की फिल्म पठान जल्द रिलीज होने वाली है, इसका एक गाना बेशर्म रंग आज रिलीज किया गया, जिस पर भी हिंदुत्व तंजीमों ने एतराज जताते हुए फिल्म को बायकॉट करने की मांग की। इस फिल्म की हीरोइन दीपिका पादुकोण ने भगवा रंग पहनकर शाहरुख खान के साथ रोमांस किया है, ऐसा कहा जा रहा है। खैर, हिंदुत्व तंजीमों का कहना है कि भगवा रंग के कपड़े पहनकर इसे बेशर्म रंग कहा जाना, जिससे हिंदुओं के जज्बात को ठेस पहुंची। इसी तरह खास बात का जिक्र जरूरी है कि कश्मीर फाइल्स, जिसने नफरत फैलाने की मुकम्मल कोशिश करते हुए हिंदू मुस्लिम तनाजे को बरकरार रखा, बढ़ावा भी दिया। इस फिल्म को इसराइल के नदव लिपिड ने घटिया और नफरत फैलाने वाली प्रोपोगंडा फिल्म कहा था, जिसे लेकर काफी चर्चा हुई थी। लिहाजा आज इस दाग को मिटाने के लिए कश्मीर फाइल्स को अच्छी फिल्म का तमगा संगीत सोच और फिक्र के टेलीविजन अवार्ड ने देने की तरह हासिल हुई। खैर, किस तरह के टेलीविजन शो आजकल चल रहे हैं सभी जानते हैं, कैसे हिंदू मजहब को प्रमोट किया जा रहा है और दिगर मजाहिब को गिराने की कोशिश की जा रही है। सबसे ज्यादा अफसोसनाक पहलू यह है कि मुस्लिम खवातीन ही इन तमाम टेलीविजन सीरियल्स को देखती रहती है, ये भी सच्चाई। खैर, आज के अहम खबरों के तौर पर चीन ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारतीय जवानों को घायल करने की तलाश हासिल हुई। चीन को सबक सिखाने की बात, आंखें लाल कर बात करने की बात, वजीर आजम मोदी तो बारहा कहते रहते हैं, महज बयानबाजी है ये अलग बात है। इससे एक बार फिर साबित हो चुका है कि सिर्फ बयान ही दिए जाते हैं, हकीकत में चीन के खिलाफ कदम कोई उठाए नहीं जाते। और पिछली मरतबा गलवान घाटी में भारत के 20 फौजियों का कत्ल इन्हीं चीनी फौजियों ने किया था, लिहाजा एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश में चीन ने भारत के 20 फौजियों को जख्मी करने की बात कही जा रही है, पर इस पर भी हमेशा की तरह खामोशी अख्तियार की गई है। लेकिन जब बात सामने आने लगी तो वजीर दिफा को 4 दिन के बाद इस पर सफाई पेश करनी पड़ी। एक तरफ अवाम को चीनी चीजों का, खासकर खिलौने इलेक्ट्रॉनिक चीजों का बायकॉट करने की अपील इसी भाजपा और मोदी हुकूमत की जानिब से की गई है, और मोदी हुकूमत बारहा चीनी ऐप पर भी पाबंदी की बात करती रही है। लेकिन किस तरह पार्टनरशिप में इनका कारोबार चलता रहता है, और बाहर जाहिरी एक और अंदरूनी एक, किस तरह से ये दोगला रवैया इनका देखने को मिलता है, इसका भी पर्दाफाश होता जा रहा है। आरएसएस चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ पार्टनरशिप में कारोबार के साथ तालीम हासिल करने और यहाँ की तहजीब को समझने की भी कोशिश करता रहता है। भाजपा के कई कारकुन बार बार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन के यहाँ जाकर क्या सीखते हैं पता नहीं, लेकिन इसके दस्तावेज हासिल हो चुके हैं। इंडिया फाउंडेशन और विवेकानंदन फाउंडेशन, जिसमें भारत के विदेश मंत्री के बेटे हैं, आखिर चीन से इनका क्या ताल्लुक है, इसको भी मंजरे आम पर लाने की बात कही जा रही है। आज पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इन तमाम बातों पर रोशनी डालने की कोशिश की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कांग्रेस के पवन खेड़ा ने भाजपा मोदी आरएसएस का पर्दाफाश किया, और यह सबसे बड़ी खबर के तौर पर देखना चाहिए था, लेकिन गोदी मीडिया इस पर बड़े ही शातिर तरीके से पर्दा डालने की कोशिश करती रही। आपको इस बात का भी ताज्जुब होगा कि चीन बारहा भारत में घुसपैठ करता रहता है, लेकिन खबरें आपको पीओके और एलओसी की दिखाई जाती है। चीन बार बार भारत की सरहदों में घुसकर कब्जा जमाता रहता है, यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश में एक गांव ही बसाने की बात कही जा रही है। गुजरात की जीत भी भाजपा मोदी का चीन से अंदरूनी समझौते के तहत होने की बात कही जा रही है। चीनी ऐप शेरिट या फिर यूसी वेब मोबाइल जैसी कंपनियों के साथ छिपे समझौते, जिस पर मोदी और इनके साथियों के चुनाव हो जाते हैं, इतना पैसा यहां से हासिल होता है, ऐसा कहा जा रहा है। इसे आखिर क्या कहा जाए, कैसे मोदी हुकूमत
दोहरा रवैया और दोहरा चेहरा रखती है आवाम को बड़े ही देशभक्त और राष्ट्रवादी और दूसरों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने वाले। दरअसल इनका असली चेहरा क्या है इसका खुलासा होता जा रहा है। लेकिन जिस मुल्क की आवाम को धर्म की अफीम खिलाई गई वो आखिर देश को होता बड़ा नुकसान। और चीन से याराना कहां नजर आता है ये भी उतना ही सच है। गौरव गोगोई जी ने आपको बताया कि कैसे 59 ऐप्स पे पिछले राउंड में पाबंदी लगाई गई थी। आज गृहमंत्री बड़ी ऊंची ऊंची आवाज में कुछ हम पर आरोप लगा रहे थे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि उन ऐप्स जिन पर पाबंदी लगाई थी उनसे भारतीय जनता पार्टी के कितने घनिष्ठ संबंध हैं। यूसी वेब मोबाइल आप नोट करिए, बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के चुनाव में जिन कंपनियों की सहायता ली थी उनमें से ये थी यूसी वेब मोबाइल। ये सेवाएं भारतीय जनता पार्टी ने ली और 2017 में इसी कंपनी पर भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया था कि ये भारतीयों का डेटा चुराकर चीन भेजती है। लेकिन 19 में इसी कंपनी को भारतीय जनता पार्टी ने इस्तेमाल किया। मजबूरी क्या थी प्रधानमंत्री जी की हम नहीं जानते। दूसरी कंपनी शेयरइट टेक्नोलॉजी, शेयर आईटी या शेयरइट जो भी कहना चाहें, इसी कंपनी पर पाबंदी लगाई कि ये देश की संप्रभुता के लिए खतरा है। यही कंपनी भारतीय जनता पार्टी कई चुनाव में पार्टनर बनकर भारत के चुनाव पर प्रभाव डालती है। हम भी पूरी रिसर्च करके बैठे हैं, गृहमंत्री जी को समझना चाहिए। हमारे राजीव गांधी फाउंडेशन के खाते पब्लिक डोमेन में हैं, सबके सामने हैं, कुछ छिपाने की बात नहीं है, सार्वजनिक हैं। आरएसएस के क्या संबंध है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से, आरएसएस का हक क्या बनता है? वो तो एक सांस्कृतिक संगठन है, गैर राजनीतिक संगठन है। क्यों बार बार चीन के दरवाजे पर दस्तक देते हैं, क्यों चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ पार्टनरशिप करते हैं? और जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं हो तब भी ये लोग मिलने जाते हैं। बीजेपी लेजिस्लेटर्स टेक लेसन्स एट स्कूल रन बाय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, उनसे शिक्षित होने जाते थे। ये देख लीजिए साहब, ये है इनकी असलियत। एक फाउंडेशन है जिसमें विदेश मंत्री के सुपुत्र काम करते हैं, बड़े अच्छे पद पर काम करते हैं। चीन के दूतावास ने उस फाउंडेशन को पैसे दिए, लगातार दिए, 2016 से लेकर लगातार देते आ रहे हैं। हमने तो ये आरोप नहीं लगाया साहब कि क्या विदेश मंत्री के सुपुत्र उस फाउंडेशन में हैं इसलिए ये पैसा दिया जा रहा है, इसका क्विड प्रो को क्या है, हमने ऐसे कोई आरोप नहीं लगाया, वो भी पब्लिक डोमेन में है। राजीव गांधी फाउंडेशन को अगर कोई पैसा दिया वो इकोनॉमिक टाइज को कैसे इंप्रूव करना है उसकी स्टडी के लिए दिया। और फाउंडेशंस पूरे विश्व से लगातार अलग अलग जगह से पैसे लेती हैं, सार्वजनिक पटल पे होता है वो। लेकिन इंडिया फाउंडेशन और विवेकानंद फाउंडेशन के चीन से क्या संबंध है उसका खुलासा कीजिए गृहमंत्री जी। अनुमति ले लीजिए दोवल साहब की, बताइए क्या संबंध है दोवल साहब के और उनके फाउंडेशन के चीन के साथ। हुक्केरी में सैयद गुलाब शाह दरगाह का कयाम है। पिछले सैकड़ों सालों से इस बुजुर्ग की दरगाह पर बड़े अकीदत के साथ हिंदू मुस्लिम आते हैं।
अब हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जानिब से इस दरगाह को हटाने की नोटिस देने की बात कही जा रही है। लिहाजा आज डिस बेलगाम को दरगाह कमेटी की जानिब से मुतालबा पेश करते हुए कहा गया कि दरगाह को हटाना गैर शरई तो है ही और हिंदू मुसलमानों के जज्बात को ठेस भी पहुंच सकती है। हाईवे की तामीर को रोकना हमारा मकसद नहीं है बल्कि जगह तो मौजूद है, दरगाह के करीब से ही हल्का अगर रास्ता मोड़ने से इस मसले को हल भी किया जा सकता है। इस तरह बुजुर्गों की मजारों को हटाना मुनासिब भी नहीं और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के तौर पर भी सैयद गुलाब शाह वली की दरगाह की मकबूलियत है। जो फैसला हाईवे अथॉरिटी ने लिया है इसे फौरी तौर पर तब्दील कर सड़क को मोड़ने से बुजुर्ग का आस्थाना बरकरार रहेगा, ऐसा दरगाह कमेटी के जिम्मेदारान ने कहा। आइए देखते हैं इसके कुछ मनाज़िर। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। मैं आई ए मुला एडवोकेट, हाईकोर्ट एडवोकेट बेलगाम बात कर रहा हूँ। आज हम लोग हजरत सैयद गुलाब शाह वली दरगाह कमेटी के मैनेजमेंट यहाँ पर आए हुए हैं। ये दरगाह जो है बहुत पुरानी दरगाह है, हिस्टोरिकल दरगाह है और 150 साल से जो है हंचनाड़ गांव में नेशनल हाईवे के बीच में मौजूद है। ये दरगाह जो है सब लोग मानते हैं, मुस्लिम से हिंदू लोग वहाँ पे रहते हैं, मुस्लिम लोग वहाँ के फातिहा वगैरह पढ़ते हैं, हिंदू कम्युनिटी के बहुत सारे लोग जो है दूर दूर से आते हैं। ये प्रॉब्लम जब ये पैदा हुआ कि 2003 में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो 4 लाइन एक्सपांशन जो हाईवे का स्टार्ट हुआ उस वक्त प्रॉब्लम आ गया और हाईवे अथॉरिटी जो है वो चाहते थे कि जो है दरगाह शिफ्ट करे। तो ये मसला जो है डिप्टी कमिश्नर बेलगाम के जानिब से एक रेजोल्यूशन पास हुआ 6/3/2003 में। उन्होंने सब ऑफिसर को बुला के उसके बारे में तहकीकात की और स्टडी की और मैनेजमेंट को भी बुलाकर उनके भी प्रॉब्लम के तहकीकात करने के बाद में जो है रेजोल्यूशन पास हुआ कि ये दरगाह जो है जो बीच में है उसी जगह रहेगी और उसको शिफ्ट करना जायज़ नहीं है करके जो है रेजोल्यूशन पास हुआ। और वो रेजोल्यूशन के मुताबिक जो है दरगाह वहीं पे थी बीच में हाईवे के बीच में। मगर अब जो है प्रॉब्लम ये पैदा हुआ है कि ये दरगाह शिफ्ट की जाए। हमारे वहाँ जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो ऑफिसर हैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर, उन्होंने कहा कि इस मरतबा 6 लाइन जो फॉर्मेशन ऑफ रोड है नेशनल हाईवे हंचनाड़ में, तो दरगाह शिफ्ट करना चाहिए, ऐसा उन्होंने प्रपोजल दे रहे हैं और दरगाह वालों को जो है बताए हुए हैं कि अब इस मरतबा जो है दरगाह शिफ्ट किए जाए, दरगाह जो है रोड के बीच में वहीं रहे और जो 2003 में जो रेजोल्यूशन पास हुआ उसको कायम रखा जाए, उसको ही इम्प्लीमेंट करके जो है दरगाह वहीं पे रहे। यहाँ आने का मकसद ये है कि बीच का रोड दोनों तरफ से बना के वहाँ ला के खड़ा कर दिए हैं और कोई हमें मुतला नहीं इतला नहीं दी है उन्होंने कि क्या करने वाले हैं, लेकिन ऐसा कभी हमारी गफलत पे कभी मुश्किल आ सकता है, इसलिए उसकी खोज और जाँच शुरू हो गई और इस जांच में सबसे पहले प्रोजेक्ट डायरेक्टर विद्यागिरी धारवाड़ में पहुंचे, तो कर्नाटक स्टेट के जो है हमारे कोगलोने नाका तक के वो अफसर बनते हैं। जब उनको बस हमने एप्लीकेशन दिया, ऑल इंडिया एसोसिएशन के तरफ से भी दिए हैं, दरगाह कमेटी की जानिब से भी दे चुके हैं, और जब उनके सामने आमने सामने होने की जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि लखनऊ में दफ़ा शिफ्ट हो चुकी है और यहाँ भी करना होगा। देखिए मैं बोला डिप्टी कमिश्नर साहब ने जो भी आदेश किए हैं उसको आपको अमल करना पड़ेगा और उसी पर जो है दुनिया कायम है, और एक जो फैसला होता है सोच समझ कर 3 महीने के बाद डिस्कस करने के बाद जो है तमामों को साथ में लेकर
उन्होंने जो फैसला लिया है वो सही फैसला है, वही फैसला कायम हो और हमारे हिंदू मुसलमानों के अंदर मोहब्बत और एकता भारत में कायम रहे। इंडिया इज़ माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई लव माई कंट्री। मेरा नाम मौलाना अब्दुल समद हाजी गुलाब साहब मुल्ला, दरगाह के एक खादिम भी हैं।